अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। तमाम तारीफ़ें अल्लाह ताला के लिए हैं जो तमाम आलमीन का रब है। नाज़रीन हज़रात, मैं हूँ नसीम अख्तर मुरादाबादी, आपकी ख़दमत में। उम्मीद है आप सब बख़ैर व आफ़ियत होंगे। एक ऐसा फार्मूला मैं आप तक पहुँचा रहा हूँ, बहुत ज़्यादा आसान है, बहुत ज़्यादा सस्ता भी है, हर आदमी अपने घर में बना कर के इस्तेमाल कर सकता है। ये खाने में भी बहुत ज़्यादा लजीज होगा, जिस्माना कमज़ोरी और मर्दाना कमज़ोरी दोनों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा करेगा। पहले आप जो है बनाने का तरीक़ा समझ लें। आपको लेना है 250 ग्राम उड़द की धुली हुई दाल का आटा, 250 ग्राम गेहूं का आटा, 250 ग्राम बग़ैर छिलके वाली जौ का आटा, 250 ग्राम चावल का आटा। इन चारों आटों को आप लें, ये बहुत आसान है, और इसको आप देसी घी में अच्छे से भून लें। इतना भून लें इन चारों आटों को एक जगह करके कि सुर्ख हो जाए। फिर आप 1.5 किलो चीनी की चाशनी तैयार करें, और वो चाशनी इतनी गाढ़ी हो जाए कि वो लड्डू बनाने के काबिल हो जाए। आप उस चाशनी में ये सामान डाल करके अच्छे से मिला दें। आप चाहें तो फिर आप इसमें काजू, बादाम, पिस्ता, इन चीज़ों का पाउडर डाल सकते हैं, वो आपकी मर्ज़ी है, बाकी ज़रूरत नहीं है। चाशनी में डाल करके मिलाएं और 50 ग्राम के लड्डू बना करके आप रख लें। ये लड्डू ख़राब नहीं होंगे। रात को सोते टाइम पर एक लड्डू खा करके आपको ऊपर से दूध पीना है। जिन लोगों का पेट ख़राब रहता है, वो ज़्यादा ताकतवर चीज़ को हज़म नहीं कर सकता है, तो वो लोग आधा लड्डू ले में, और जिनके पेट की मशीन ताकतवर है वो लोग एक लड्डू खा कर के ऊपर से दूध पी लिया करें। आप इस फार्मूले को एक मरतबा बना कर के इस्तेमाल करके देखो, आप खुद ये कहोगे कि मेरी मर्दाना ताकत और जिस्माना ताकत दोनों बहुत ज़्यादा पावरफुल हो चुकी है। न बदन के एतबार से कमज़ोरी का एहसास होगा और न मर्दाना ताकत के एतबार से कमज़ोरी का एहसास होगा। मनी को बहुत ज़्यादा पैदा करेगा, मनी बहुत ज़्यादा गाढ़ी करेगा, ये टाइमिंग भी बढ़ाएगा। हम बिस्तरी करने के बाद में कमज़ोरी बहुत ज़्यादा महसूस होती है, एक बार करके फिर 4 दिन के बाद मूड बनता है, वो दिक्कत ख़त्म हो जाएगी। आप एक रात में 2 मरतबा आराम के साथ कर सकते हैं, कोई कमज़ोरी का आपको एहसास नहीं होगा। इसको कुंवारे, शादीशुदा औरत और मर्द दोनों इस्तेमाल कर सकते हैं, और शुगर वाले भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, वो शक्कर की मकदार थोड़ी कम कर दें। अब लेकिन जो लोग अपने हाथों से गलती करके क्रीमों का स्प्रे का इस्तेमाल करके अंग्रेज़ी गोलियां खा के बर्बाद होते हैं, तो ऐसे लोगों को ये फार्मूले जिस्माना ताकत में तो फ़ायदा करते हैं, लेकिन मर्दाना ताकत में उन्हें मुस्तकिल तौर पर इलाज की ज़रूरत होती है, जो उन्होंने बर्बादी की है उसको सही करने के लिए। तो जो लोग उम्र के एतबार से कमज़ोर हैं या शौकीन मिजाज हैं या हल्की फुल्की गलती करी है, या वो चाहते हैं कि हम पावरफुल बने रहें, कभी कमज़ोरी का एहसास ना हो, 50 साल की उम्र में भी 30 साल की मर्दाना ताकत और जिस्माना ताकत रहे, तो वो लोग इसको इस्तेमाल करें, खुद भी खुश रहें और बीवी को भी अच्छे से खुश रखें। चलते चलते एक बात और सुनते जाइए, हो सकता है कि ज़िंदगी के किसी मोड़ पर काम आ जाए अपने हाथों से किसी क्रीम या स्प्रे का इस्तेमाल करने की वजह से। नसें कमज़ोर हैं, मनी पतली है, ढीलापन है, धातिया अहतलाम की बीमारी है, या औरतों को सफ़ेद पानी की शिकायत है, या बच्चेदानी उतरने का मर्ज़ है, अपना वज़न बढ़ाना या घटाना चाहते हैं, तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। दवाई देसी जड़ी बूटी से तैयार की जाती है, जहाँ भी आप चाहेंगे इंडिया में आपको पहुँचा दी जाएगी। नंबर आप मेरे सामने स्क्रीन पर देख रहे हैं। बहरहाल नाज़रीन इकराम, जो मैंने आपको फार्मूला बताया है, बताना मेरा काम, करना आपकी जिम्मेदारी, शिफा देना अल्लाह के इख्तियार में है। अस्सलामु अलैकुम।